हेलो नमस्कार, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन क्रिकेट प्रिडिक्शन में। तो जी हाँ, आज फिर से एक हम जैकपॉट प्रिडिक्शन आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। 100% जैकपॉट प्रिडिक्शन रहेगा। साउथ अफ्रीका का जो लीग चल रहा है उसका मैच रहेगा। जर्बन सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर ईस्टर्न कैप के बीच में मुकाबला रहेगा। फाइनल रिपोर्ट रहेगा, फिक्स रिपोर्ट रहेगा। पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी और आपको कहीं दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। मैच खेलने से मैच विनिंग तक की पूरी जानकारी आपको मिलती है। अगर मैच अधिक ऑनलाइन खेलना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट स्काई ऑनलाइन प्रो पे भी जाकर के खेल सकते हैं। हमारी वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैच से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको लेना है, कोई भी सवाल करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा जानकारी हमारे टेलीग्राम हमारे व्हाट्सएप नंबर पे दिया जाता है। तो एक बार आप जरूर संपर्क करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं हम होने वाले मैच के ऊपर। मैच जो है साउथ अफ्रीका का जो T20 लीग चल रहा है 27वां मैच खेला जाएगा। जर्बन सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर ईस्टर्न कैप के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। मुकाबला 5 फरवरी को शाम 5 बजे स्टार्ट होगा, यानी कि आज के डेट में मैच स्टार्ट होगा शाम 5 बजे। तो सबसे कम समय में सबसे बेहतर प्रिडिक्शन हम आप लोग के द वंडर स्टेडियम जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में मैच खेला जाएगा। मैच शाम को 5 बजे होगा। पिच की पूरी जानकारी आपको, प्लेयर की पूरी डिटेल्स हम आपको इसी वीडियो में देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बिल्कुल बारीकी से समझें, क्योंकि पूरी रिपोर्ट पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। अगर कोई भी सवाल आपके मन में रह जाता है या मैच से रिलेटेड या मैच लगाने से रिलेटेड, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सीधा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ हर एक सेकेंड का अपडेट आपको मिलता रहता है। और अगर हम बात कर लेते हैं कुछ इन दो टीमों की लास्ट 5 मैचेस की, तो जिसमें वर्ग सुपर किंग्स ने पहला मैच अपना विन किया है, दूसरा मैच विन किया है, तीसरा मैच हार गया है, चौथा मैच विन किया है, पांचवा फिर हार गया। वहीं सनराइजर ईस्टर्न कैप की अगर बात करते हैं तो पहला मैच वो हार गया है, दूसरा विन किया है, तीसरा हार गया है, चौथा और पांचवा विन किया, यानी कि 5 मैच में से दोनों टीमों के पास 3-3 मैच जीतने का अनुभव है। लास्ट के 5 मैच की एक बार मैं बात कर रहा हूँ इस बारे में। तो आगे देखना है कि इन दो टीमों के बीच आगे क्या संभावना रहती। तो आगे हम आपके लोग के लिए बात कर लेते हैं वो लास्ट जो 5 मैच कौन सा था जो कि जुवेंस सुपर किंग्स जो है आपके लिए जीता था या हारा था। तो पहला मैच जो DGS के बीच में खेला गया था, तो वह 178 रन बनाया था और पीछे से टीम चेस करके जुवर्ग की टीम जो है 182 रन 2 विकेट पे 19 ओवर में ही मैच को जीत लिया था। जो मुकाबला था वह 22वां मुकाबला था। वहीं एक और मुकाबला इसी टीम के साथ हुआ था, सनराइजर ईस्टर्न कैप के बीच में मुकाबला हुआ था, जिसमें सनराइजर्स ईस्टर्न कैप ने 10 विकेट पर 127 रन बनाया था, लेकिन जुवर्ग सुपर किंग्स ने उसको 128 रन 5 विकेट पे 19 ओवर में कंप्लीट कर लिया था। वह मैच था 17वां मैच था इस लीग का। और अगर एक बात करते तो JKS की टीम जो है 122 रन बनाया था 10 ओवर में, वहीं PC की टीम जो है 123 रन बना दिया था 4 ओवर में, 123 रन बना दिया था आपको 13 ओवर में। तो इसमें से एक मैच जो है लॉस कर गया था, मैच था सीरीज का 13वां मुकाबला। और अगर एक और मैच की हम बात करते तो JSK ने 168 रन बनाया था 6 विकेट पर 20 ओवर में, वहीं PC की टीम जो है पीछे से चेस करते हुए 162 रन बनाई थी 10 विकेट पे 20 ओवर में। तो वह मैच भी 11वां मैच को भी जो है JKS की टीम विन कर गई थी। और यहाँ पे फिर देखा जा रहा है कि JKS ने 105 रन बनाया था एक मैच में 9 विकेट पे, और वहीं मुंबई MI कैप्टन जो है उसको 107 रन बना दिया था 3 विकेट में, यानी कि 2 मैच टोटल लॉस किया है, 3 मैच विन किया है। हालांकि सभी मैच में रन स्कोर जो है बराबर ठीक ठाक था, जो लॉस स्कोर रन था उसी को टीम हारा है, बाकी जो हाईएस्ट स्कोर था उसको टीम जीत गया है। अब वहीं सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की अगर हम बात कर लेते हैं 5 मैचों की विनिंग लिस्ट जो किस प्रकार रही है, तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। सनराइजर ईस्टर्न कैप की जो पहला मैच 21वां मैच जो उसने लॉस किया है लास्ट 5 मैच में, जिसको PR ने 131 रन बना दिया था, और सनराइजर्स की जो टीम है 130 रन ही बना पाई थी उस मैच को, 21वां मैच को सनराइजर्स की टीम हार गई थी। वहीं 19वां मैच की अगर हम मैं बात कर लेता हूं, तो जिसमें से सनराइजर्स ईस्टर्न कैप ने 210 रन बनाया था, जो कि इस 5 मैच में सबसे हाईएस्ट रन स्कोर था,
उसको डीएसजी की टीम जो है पीछे से चेस करते हुए मात्र 86 रन बनाई थी और वो 19वां मैच को सनराइजर्स की टीम ने जीत लिया था। फिर एक और बात करते हैं मैच की, तीसरा मैच जो सनराइजर्स ने 127 रन बनाया था, वह जेएसके की टीम जो है जिससे आज मुकाबला होने वाला है वही जेएसके की टीम जो है इस मैच को विन किया था 128 रन बना करके। मुकाबला था 17वां इस सीरीज का। वहीं पीआर की एक और मैच की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें 127 रन ने पीआर बनाया था पहले बैटिंग करते हुए, पीछे से सनराइजर्स ने चेस करते हुए 131 रन बना दिया था 5 विकेट में और वह 14वां मैच था इस सीरीज का जिसको विन किया था सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की टीम ने। वहीं एमआई कैप्टन की अगर बात करते हैं तो आगे से बैटिंग करते हुए एमआई कैप्टन ने 171 रन बनाया था और वहीं पीछे से बैटिंग करते हुए सनराइजर्स की टीम ने 172 रन बना दिया था। मैच था इस सीरीज का 12वां जिसको भी सनराइजर्स ईस्टर्न कैप ने जीत लिया। तो दोनों टीम के पास अच्छा खासा अनुभव है, अच्छा खासा रन रेट मारने का अनुभव है। लास्ट हेड टू हेड अगर 10 मैच की बात करते हैं इन दो टीमों के बीच में, जिसमें जेएसके की टीम जो है एक मैच जीती और सनराइजर्स की टीम एक भी मैच नहीं जीती है। तो अभी यहाँ पे जेएसके के पास एक मैच का बढ़त है, एक मैच का जीतने का अनुभव है। लास्ट हेड टू हेड 10 मैचों की अगर हम बात कर रहे हैं जिसमें, तो आपको वैसा ही कुछ अनुभव लगेगा आज के मुकाबले में भी कि वो टीम जीत सकती है, बेहतर कर सकती है। और आज का जो एवरेज स्कोर रहेगा उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम कुछ पॉइंट टेबल के ऊपर नजर डाल देते हैं। पॉइंट टेबल ही जो है कि ओरिजिनल चीजें दर्शाती है कि कौन सी टीम कितनी मजबूत है, कौन सा टीम कितना बेहतर कर रहा है। तो पॉइंट टेबल आपके सामने खुल चुका है। तो पॉइंट टेबल में आप देख रहे होंगे कि पीसी की टीम जो है 23 पॉइंट लेकर के है, सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की टीम जो है 19 पॉइंट लेकर के है, पीआर की टीम जो है 19 पॉइंट लेकर के है, जेएसके जो आज खेलेगी उसके जो 18 पॉइंट लेकर के चौथे नंबर पे है और सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की टीम जो है 19 नंबर लेकर के दूसरे स्थान पर है। बाकी नीचे दो टीम और बची है, डीएसजी की टीम और एमआई कैप्टन की टीम। तो आपको भी देखना पड़ेगा कि जो दोनों टीम है, दोनों टीम अपने आगे क्वालिफाई के लिए टकराएगी, क्योंकि आगे जो है इनको भी जेएसके को भी लगेगा कि उन्हें भी ऊपर जाना है मैच जीत करके, क्योंकि अगर आज का मैच जीते हैं तो वो ऊपर जाते हैं। तो कौन इनके सपोर्टिंग प्लेयर होंगे, कौन बेहतर इनको सपोर्ट करेंगे, उसके ऊपर हम पूरी जानकारी देंगे, पूरी चर्चा करेंगे। फिर भी अगर कोई सवाल, कोई क्वेश्चन रह जाता है आपके मन में तो आप सीधा हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन रहता है आपके मन में तो आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर इन दो टीमों के बीच अगर मैच कंपैरिजन की बात करते हैं तो 7 मैच की कंपैरिजन देते हैं, और तो जहां पे जेएसके की टीम को विनिंग परसेंटेज 57 है, वहीं पे सनराइजर्स की टीम की विनिंग परसेंटेज जो है आपको 50 है। अगर जेएसके की एवरेज स्कोर की बात करते हैं तो 139 है और सनराइजर्स की एवरेज स्कोर की बात करते हैं तो 160 है। आपको हाईएस्ट स्कोर की बात कर लेते हैं जेएसके की तो 190 है और सनराइजर्स की अगर बात कर लेते हैं तो 210 है। हाईएस्ट स्कोर और एवरेज स्कोर में दोनों में सनराइजर्स की टीम बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है और बहुत ही बेहतर दिख रही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मेन इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपको जो पिच रिपोर्ट जो है कैसा रहेगा, जो सनबर्ग का जो मैदान है वो कैसा पिच रिपोर्ट रहेगा, क्या रहेगा। तो आपको वहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है जैसा आपने देख पा रहे हो 63% ह्यूमिडिटी है और रेन की चांसेस 80% है, यानी कि चांसेस हो भी सकता है मौसम ठंड का रहेगा, कोल्ड रहेगा, बिल्कुल मौसम अच्छा रहेगा, टेम्परेचर आपको 23 से 24 डिग्री सेल्सियस आज का मिल जाएगा देखने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको ह्यूमिडिटी के ऊपर जो बात करते हैं तो उसमें बॉलर जो है आपके लिए मेन भूमिका निभाएंगे। बॉलर जो है कौन बेहतर करेंगे इस पिच के ऊपर, क्योंकि इस पिच पे ज़्यादा मैच खेला नहीं गया है और जो भी मैच खेला गया उसकी हम भी आपको जानकारी देंगे। और बॉल टू बॉल, रन टू रन, विकेट टू विकेट अगर जानकारी आपको चाहिए तो आप सीधा हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं इस पिच की, तीन मैच की, इस पिच पे तीन मैच हुए हैं तो तीन मैच की अगर हम रिपोर्ट आपको देते हैं तो जिसमें पहले बैटिंग करती है टीम वो 67% जीत रही है और पीछे से बैटिंग करने वाली टीम जो है 33%, यानी कि तीन मैच में से दो मैच जो है आगे से बैटिंग करने वाला टीम जीत गया है और पीछे से बैटिंग करने वाला टीम सिर्फ एक मैच जीता है। तो आज के मुकाबले के लिए ये भी इम्पोर्टेंट होगा कि जो टीम टॉस जीतती है वो बेहतर करेगी और जो टीम टॉस जीतती है उसको जीतने की परसेंटेज चांसेस जो है काफी ज्यादा रहेगा, क्योंकि सारा चीज जो है आपको टॉस के ऊपर निर्भर रहेगा। तो आप ये भी बात ध्यान में रखते हुए अपना मैच लगाइएगा, अपना टीम बनाइएगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई जानकारी आपके लिए छूट जाता है तो सीधा आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आगे और हम बात कर लेते हैं इस पिच की जो है फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर की। अगर हम बात करते हैं तो 159 रन है, सेकेंड इनिंग की एवरेज स्कोर की बात करते हैं तो 172 रन है। अब यहाँ पे एक चीज फेयर वाली चीज क्या हो रही है कि सेकेंड इनिंग में जो है एवरेज स्कोर
फर्स्ट इनिंग के मुकाबले ज्यादा बन रहा है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर जो ज्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर आपको ज्यादा मिल रहा है। टोटल हाईएस्ट स्कोर इस पिच की अगर हम बात कर लेते तो 182 रन अभी तक टोटल हाईएस्ट स्कोर इस पिच पे बना है, जो कि डीएसजी की टीम ने मारा था जेएसके के वर्सेज में। तो आपको भी ये चीज देखने को मिल सकता है, हाईएस्ट स्कोर तो नहीं बट आपको 150-160 रन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन की, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि लास्ट 10 मैचों की अगर बॉलिंग सेक्शन की बात करते हैं तो पेस बॉलर सिर्फ 68 विकेट ले रहे हैं और स्पिन बॉलर 22 विकेट ले रहे हैं, यानी कि आपको दोनों की भूमिका बहुत ही अहम रहेगी। यहाँ पे आपको पिच को मद्देनजर रखते हुए आपको काम करना है, क्योंकि इंडो ऑफ द मैच लास्ट टाइम पे स्पिन जो सेकेंड इनिंग में होता है स्पिन काफी बेहतर करते हैं, फर्स्ट टाइम आपको पेस बेहतर करते हैं, तो मैच आपको उसी हिसाब से लगाना है स्पिन और पेस को मिक्स करके। तो चलिए और अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए फैंटेसी प्लेयर और टॉप प्लेयर की। अगर हम बात कर लेते हैं तो बातें जो है थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा कि एडम रॉसिंगटन जो है विकेट कीपर आपने ले लेना है, उसके बाद मैथ्यूज हेड जो है इनको भी आपने विकेट कीपर में ले लेना है, क्योंकि दोनों की जो है टीम की एवरेज स्कोर रन स्कोर जो है दोनों की बहुत ही बराबर है, क्योंकि जो एडम है इन्होंने 35 रन एक पहला मैच में मारा था और एक मैच में 4 रन मारा था और एक मैच में 72 रन मारा था। और वहीं मैथ्यूज की बात कर लेते तो एक मैच में इन्होंने 12 रन मारा है, फिर 14 रन मारा है, फिर 45 रन मारा है। इनकी भी सेम अच्छी रहती है, लेकिन इनके ऊपर विश्वास है तो ये बेहतर कर सकते हैं। तो तीन मैच की हम सबकी रिपोर्ट आपको देंगे एक एक करके। यहाँ पर फिर आप आ जाती है बात जो है प्लेयर ऑफ द मैच किंग, जिसको बोले जाते हैं ऐसे कि जो साउथ अफ्रीका के जो मैच इसमें किंग रहे हैं फुफ डू प्लेसिस, इनका रन रेट भी आप देख सकते हैं रन कितना मारे हैं। जो डीजीएस के खिलाफ मैच हुआ था तो उसमें 113 रन मारे हैं। फिर एक और एससीए मतलब कल आज जो टीम भरेगी सनराइजर्स की टीम, उसके खिलाफ इन्होंने 71 रन मारा था। फिर पीसी की टीम के खिलाफ इन्होंने 51 रन मारा था। लुइस डुप्लोय की बात करें तो इसमें इन्होंने 6 रन मारे हैं, फिर 47 रन मारे हैं और 14 रन मारे हैं। इनका भी ठीक ठाक रहा है, लेकिन आप इनको लेके साथ में चल सकते हैं, बैटिंग सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वहीं बात कर लेते एडम मकर्रम की तो एडम मकर्रम भी बेहतर खेलते हैं, लेकिन फिलहाल इनका कुछ अच्छा दिख रहे नहीं रहा, लेकिन उम्मीद है कि ये बेहतर करेंगे आप लोग के लिए, मैं इनको अपने सिलेक्शन में रखता हूं। तो इनका भी आप अपना जो है रन किस प्रकार से इन्होंने मारे आप देख सकते हैं, 6 रन 15 रन और 44 रन। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर की बात करते हैं तो नील ब्रांड जो है आपको बॉलिंग की मैं बात कर देता हूं यहां पे, तो पहला मैच में 0 विकेट लिए हैं, उसके बाद दूसरा में 1 विकेट लिए हैं, फिर एक और मैच में इन्होंने 3 विकेट लिए, टोटल 3 मैच में इन्होंने 4 विकेट लिए हैं अभी तक। फिर एक बात करते हैं जेजे सम्प्ट की बात कर लेते हैं, तो जिन्होंने एक मैच में नहीं खेले हैं तो इसके बाद फिर एक मैच में 1 विकेट लिए हैं और एक मैच में फिर 1 विकेट, यानी 3 मैच में 2 विकेट लिए हैं। वहीं ड्रे बर्गर की बात कर लेते हैं तो इन्होंने एक टोटल 3 मैच में इन्होंने 5 विकेट लिए हैं, ये भी एक बेहतर बॉलर हैं। और एक और हम बात करते हैं रिलीफ की बात कर लेते हैं तो रिलीफ ने पहला मैच में इन्होंने एक मैच में 2 विकेट लिया, फिर 6 विकेट लिया, फिर 2 विकेट, मतलब प्लेयर ऑफ द मैच रह जाते हैं सनराइजर ईस्टर्न कैप के प्लेयर है, क्योंकि टोटल इन्होंने 3 मैच में आपको 10 विकेट लिए हैं 3 मैच में, तो बहुत बेहतर होता है। वहीं एक और बॉलर जो है आपको जोशन जुबर्ग सुपर किंग्स के बीच में जो मिल जाएंगे ग्रैल्ड कोटेज मिल जाएंगे आपको, इन्होंने 1 विकेट लिए, उसके बाद 3 विकेट लिए, उसके बाद 4 विकेट, यानी कि 3 मैच में टोटल इन्होंने 8 विकेट लिए हैं। और एक और बात करते हैं एरोन फंक्शन की बात करते तो 4 विकेट और 4 विकेट, ये भी 3 मैच में टोटल 8 विकेट लिए हैं। उसके बाद एक और प्लेयर की हम बात कर लेते हैं ओटनेल की बात करते हैं तो ये भी 3 मैच में इन्होंने आपको 7 विकेट लिए हैं। तो टोटल जो बॉलर है जो बेहतर है और बॉलर के ऊपर पूरा मैच टिका हुआ था। अब बाकी ड्रीम इलेवन की बात आ गई तो ड्रीम इलेवन की जो चीजें मैं आपके सामने में रख दिया हूँ। ड्रीम इलेवन में मैंने कैप्टन फॉफ डू प्लेसिस को बनाया। अगर दूसरा कैप्टन अगर किसी को सिलेक्ट करना होता है तो एडम मकर्रम को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी पूरी टीम बनाइए। अगर फिर भी कहीं आपके मन में कोई संदेह कोई संकोच रह जाता तो आप सीधा हमसे सवाल कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे हमारे टेलीग्राम पे जुड़ के, और हम आपको पूरी जानकारी देंगे बिल्कुल फ्री, इसका कोई चार्ज नहीं लगता, तो आप सीधा आप हमसे संपर्क कीजिए। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।